हार्डवेयर को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, तो उसके लिए हम मल्टीपल एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट एल्गोरिदम है वो है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट आ गया है। नेक्स्ट इज़ योर स्कैन एल्गोरिदम, नेक्स्ट वन इज़ योर सी स्कैन एल्गोरिदम, नेक्स्ट वन इज़ योर लुक एंड सी लुक। सी लुक और सी स्कैन मीन्स देयर इज़ अ सर्कुलर स्कैन एंड देयर इज़ अ सर्कुलर लुक। सो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हेल्प्स एंड रिड्यूस द डिस्क आर्म मूवमेंट। क्या होना चाहिए, जो हमारा हार्डवेयर है वो मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। तो रिड्यूस क्या करना है इन एल्गोरिदम्स को यूज़ करके, सो दैट कि हमारा डिस्क आर्म मूवमेंट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। सो द रिक्वेस्ट डेट आर क्लोज टू द डिस्क आर्म विल बी सर्विस्ड क्विकली एंड फॉर द फर्दर रिक्वेस्ट द डिस्क आर्म नीड्स टू मूव फ्रॉम इट्स लोकेशन। जहाँ भी वो डिस्क आर्म एट प्रेजेंट लास्ट मोमेंट पे सेट हुआ था और जैसे ही सर्विस आती है उसे किस तरह से हमें So, dear students, there is a question. Suppose a disk having 200 tracks, that tracks numbering from 0 to 199, and the request sequence will be here. So, request sequence is 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190. So, of the disk, the head starts is at the request 50. ठीक है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब देखिए नंबर लाइन में जो हेड सीक्वेंस दे रखा है डेट इज स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, डेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम, डेट इज फ्रॉम 0 टू, डेट इज योर 199, डेट इज गिवन हियर इन द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द these numbers as in the ascending order, ठीक है। तो ये जो numbers हैं ये सारे tracks को हम क्या करेंगे, जो भी ये job request है वो किस किस track से आ रही है उस request को हम क्या करेंगे number line पे draw करेंगे। So this is the 16, first क्या है 16, so this is the minimum number। Next one is your 24, so this is 24, next is 43, ठीक है। Next one is your हम 50 को भी draw कर लेते हैं because there is a head position, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं this is a head position of the डिस्क, ओके। नेक्स्ट वी हैव द, दिस इज वी हैव 82, है ना, दिस वी हैव 82। सो नेक्स्ट वन इज योर 100 इज नॉट हियर, सो वी यूज 140, सो दिस इज 140। नेक्स्ट इज 170, ओके, एंड नेक्स्ट वन विल बी योर 190, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, करना ये है कि जिस ऑर्डर में आपकी रिक्वेस्ट आई हैं, ठीक है, जिस ऑर्डर में आपकी रिक्वेस्ट आई हैं हमें उसी ऑर्डर में ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो किस ऑर्डर में आई हैं जी, पहले आया है सबसे पहले 82, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आया है, सबसे पहले आया है हमारे पास 82, ठीक है। तो 50 से हम कहाँ जाएंगे, 50 से हम जाएंगे, हमने हेड मूवमेंट करनी है, तो 50 से हम गए 82, 82 से हम कहाँ गए हैं 170, तो डिस्क मूवमेंट, डिस्क आर्म की मूवमेंट हो रही है। सो 170 के बाद देखिए जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आ रही है हमें उसी ऑर्डर में पूरी करनी है, पहले 82 आया देन 170 देन कम्स टू 43, सो दिस इज द 43 रिक्वेस्ट नंबर। नेक्स्ट वन इज योर 140, ठीक है, नेक्स्ट इज योर 140, ठीक है, सो कम्स टू द 140, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे 140 के पास, 140 पे पहुँच गए, ये देखिए बिल्कुल इसके एडजेसेंट, दिस इज 100, हम बोल सकते हैं दिस इज़ योर 140, दिस इज़ योर ये है हमारा 43, ठीक है, ये है 43, थोड़ा सा आगे हो गया है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर 43, दिस इज़ योर 170, दिस इज़ योर 82, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द रिक्वेस्ट ऑफ आफ्टर 140 देयर इज़ अ 24, ठीक है। तो हेड की मूवमेंट कहाँ जाएगी, 24 पे, ठीक है, 24 पे गया, 24 के बाद 16 पे, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 24, नेक्स्ट वन विल बी योर 16, एंड उसके बाद 16 के बाद आपका ये जाएगा 190, सो दिस वन इज़ योर 190, ठीक है। तो अब हमें इसकी टोटल आर्म कैलकुलेशंस करनी है कि हेड रिक्वेस्ट फ्रॉम 50 से स्टार्ट हुआ था तो टोटल डिस्क आर्म मूवमेंट कितनी हुई है, ठीक है, कितना हुआ है टोटल
सीक टाइम कितना लगा, ठीक है, या टोटल आर्म मूवमेंट कितना हुआ, ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं टोटल सीक टाइम या टोटल हेड मूवमेंट्स, ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर टोटल हेड मूवमेंट्स, ठीक है, हेड मूवमेंट कितनी हुई, ठीक है, टोटल हेड मूवमेंट्स, ठीक है, टोटल हेड मूवमेंट्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्टली हमारे पास क्या क्या है, 52, 82, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 82 माइनस 50, वी कैन राइट 82 माइनस 50, पहले यहाँ तक गया, फिर हम इसमें प्लस कर देंगे क्या 82 से 170, सो देयर इज़ अ 170 माइनस 82, डन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, 170 माइनस कितना हो गया आपका 43, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट प्लस क्या आया है आपके पास 100, दैट इज़ योर, हम इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 140 प्लस 140 माइनस कितना हुआ 24, ठीक है, 24 तक गया, देन फिर 24 to 16, देन 24 माइनस 16, देन एट द लास्ट इट इज़ रीचेज हेयर फ्रॉम 192 माइनस 16, ओके। सो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट वी आर गेटिंग हेयर, दिस इज 32 डिफरेंस प्लस 98, ओके, प्लस देयर इज़ अ 127, डन। सो नेक्स्ट विल बी योर 97, ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर 116, नेक्स्ट इज़ योर 8, ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर 174, ओके, ओके, आफ्टर सम अप द ऑल द वैल्यूज वी आर गेटिंग हेयर 642, ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर कि टोटल डिस्कार मूवमेंट्स कितनी लगी हैं 682, ओके। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर, ठीक है, FCFS, हमने क्या एल्गोरिदम यूज़ किया, FCFS, ठीक है, जैसे जैसे जिस ऑर्डर में जो रिक्वेस्ट आई हेड मूवमेंट ने उसको उतनी ही अच्छे ढंग से सर्व किया, डन। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली लोकेटेड एट द 32, ठीक है, अज्यूमिंग दैट द डिस्क इज लोकेटेड इनिशियली एट द 32, सो फाइंड द नंबर ऑफ द डिस्क मूव्स रिक्वायर्स विद FCFS इफ द डिस्क रिक्वेस्ट, यानी कि डिस्क क्यू इज इनपुट आउटपुट ब्लॉक रिक्वेस्ट आर 98, 37, 14, 124, 65 एंड 67, ठीक है, तो अब इसने कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं दे रखा है, तो जितनी भी रिक्वेस्ट हैं हम उन सबको राइट करेंगे इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, 14 है, नेक्स्ट हेड मूवमेंट यानी कि हेड की पोजीशन जो है वो 32 है, बट नंबर लाइन में ये सब चीज़ें नहीं दे रखी, तो हेड की पोजीशन जो है उसको हम क्या कर लेंगे, हम उसको मार्क कर लेंगे, सो दिस इज द हेड पोजीशन, हम इसको बोलेंगे कि हेड जो है वो आपका यहाँ पर प्लेस्ड है। नेक्स्ट वी हैव द 37, नेक्स्ट वी हैव 65, ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव 67, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, कोई ये नहीं है कि एक्चुअल स्केल लेके चल रहे हैं कि नहीं इतना डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, सो देयर इज अ 124, सो 32 से हेड मूवमेंट शुरू करिए, फर्स्ट आया आपके पास 98, कहाँ गया 98, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, डेट इज 98 माइनस 32, सो इट विल बी योर 66, ठीक है, डन डन। नेक्स्ट वी हैव टू मूव अप टू 37, ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज योर 37, सो 98 माइनस 37, ठीक है, और क्या हुआ 98, और इसके बाद हमारे पास क्या गया है 14, ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारी लास्ट मूवमेंट हुई है यानी कि 98 से ये डायरेक्ट कहाँ तक जा रहा है 14 तक, तो हम 98 माइनस 37 ना कर या 37 माइनस 14 करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, सो आई एम यूजिंग हियर लाइक 98 माइनस कितना हो गया, सो दिस इज नथिंग, सो 98 माइनस 14, ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डेट इज़ योर 124, सो 114 से हम जा रहे हैं 124 के ऊपर, ठीक है, 124 के ऊपर जाने के बाद हमें ये पता लगता है कि 124 माइनस 14 विल बी हेयर, सो इट्स आंसर इज 110, डन, ओके, सो 124 के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे 65 के पास, ठीक है, 65 पे पहुँच गए, तो यहाँ हो जाएगा 124 माइनस 65, सो इट विल बी योर 59, ठीक है। नेक्स्ट हम कहाँ पहुँचे हैं, 67, 65 से हम जाएंगे 67, सो 67 पे पहुँचने के बाद हम सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ योर 67 माइनस 65, ठीक है, सो इट विल बी योर 2, ठीक है, तो हमारे पास जो भी डिफरेंसेस आए हैं यानी कि जो रिजल्टेंट वैल्यू है टोटल, क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्क मूव्स रिक्वायर्ड विद द FCFS, ठीक है, तो डिस्क मूव्स कितने हुए, फर्स्ट आया था आपके पास 66, देन प्लस देयर इज़ अ 84, ठीक है, प्लस देयर इज अ 110, सो नेक्स्ट वी हैव देयर इज अ 59 एंड देयर इज अ 2, ठीक है, सो टोटल विल बी हियर
डेट इज़ योर्स आंसर विल बी योर 321। ठीक है, आई होप क्या आपको समझ आ रहा है कि 321 क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। कंसीडर आर डिस्क क्यू विद द रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट टू द ब्लैक ब्लॉक ऑन सिलेंडर्स। ठीक है, अब ब्लॉक ऑन द सिलेंडर्स पे हैं। सिलेंडर्स मैंने आप सबको बताया था कि अगर सपोज ये मेरी डिस्क है, ठीक है, ये मेरी डिस्क है जो प्लेटर्स हैं। ठीक है, अब ये जो प्लेटर्स हैं इसके आउटर सर्कल्स, इसके क्या होंगे, इनर सर्कल्स भी हैं। सपोज ये इसके इनर ट्रैक्स हैं। ठीक है, इनर सर्कल को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रैक्स। तो जो ये इनर ट्रैक्स आपस में को इंसाइड करेंगे, ये देखिए मेरे से थोड़ा सही नहीं बन रहा है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा सिलेंडर। ये देखिए ये कंप्लीट क्या बन गया, एक सिलेंडर। इसी तरह मल्टीपल ट्रैक्स जो हैं वो एक डिस्क पे लाई करते हैं। सो द हेड इज़ इनिशियली एट 53 एंड सिलेंडर की देखिए यहाँ पर ये है लास्ट सिलेंडर नंबर ऑन इट्स सर्विसिंग पास। ठीक है, द सिलेंडर नंबर फ्रॉम 0 to 199 और ये नंबर लाइन आपको दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 0 to 199 जो है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, 0 to 199 नोट डाउन करने के बाद हमें क्या करना है, 0 to 199 नंबर है आपके पास 98 to 93। ठीक है, ओके, सो नंबर हियर इज फ्रॉम। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इन सब चीज़ों को ना हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हम नंबर लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे और किस तरह से हमारे पास जो है वो ये जो है वो सर्कल आपके ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, फर्स्ट आ गया आपके पास 14। ओके, 14 के बाद एस जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिस इज 37। सो नेक्स्ट वी हैव द हेड सेक्शन, यहाँ हम यूज़ कर लेंगे हेड को, हेड इज़ इनसाइड एट द 53। ओके, नेक्स्ट इज़ योर, ये है आपका हेड जहाँ पर एट प्रेजेंट आपका हेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर 65, नेक्स्ट इज योर 67। ठीक है, नेक्स्ट इज योर 98 के बाद आता है आपका 122। सो नेक्स्ट इज योर 124, नेक्स्ट इज योर 183। ओके, 183। ओके, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, सिंपल सा आपका है, पहले कहाँ जाएगा वो 98 के पास। ठीक है, फर्स्ट रिक्वेस्ट इसने 98 पे कंप्लीट की है, 98 के बाद ये कहाँ जाएगा, 98 के बाद जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट रिक्वेस्ट 98 के बाद जाएगा ये आपका 183 के बाद जाएगा 41 तो हमने लिया ही नहीं, सो हम इस 41 को यहाँ यूज़ कर लेते हैं। सो अब गया ये 41 के पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास 98, दिस इज़ योर 183, फिर आया आपका ये आ गया 41 के बाद आ रहा है ये आ रहा है 122। ठीक है, 122 के बाद जाएगा ये 14 पे, कहाँ जाएगा 14 पे, 14 के बाद जाएगा जी ये 124 पे। ठीक है, कहाँ जाएगा 124 पे, 124 से ये जाएगा 65। ठीक है, 65, दिस इज 65 एंड दिस इज 67, दिस इज योर 67। ठीक है, तो हमने क्या करा, जितनी भी वैल्यूज थी, ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली आप क्या कर सकते हैं 183 माइनस 53 भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नेक्स्ट हो जाएगा 183 माइनस 41। ठीक है, नेक्स्ट वी यूज 122 माइनस 41। ठीक है, नेक्स्ट इज योर्स 124 माइनस 14, डन। नेक्स्ट इज योर्स 124 माइनस 65 प्लस 67 माइनस 65। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में प्रेस करेंगे कि बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए हम इसको अब समझ लेते हैं कि द रिक्वेस्ट इज सर्व्ड एज दे आर कमिंग फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जैसे जो चीज़ आ रही है वैसे ही हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो द रिक्वेस्ट कमिंग टू द डिस्क आर अरेंज इन द प्रॉपर सीक्वेंस एज दे अराइव, सो देर इज़ नो चांस ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, कभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टारवेशन यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ भुखमरी की मतलब ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होगी, ऐसी कोई जॉब नहीं होगी जिसको हम प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, या उसको हम
डिले 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 करते रहे और एट द एंड वो जो जॉब है वो स्टार्वेशन की प्रोसेस में आ गई। नेक्स्ट अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, इंप्लीमेंटेशन बहुत ईजी है, क्यों, जैसे जॉब आ रही है हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। सेकंड एडवांटेज ये है कि यहाँ पर स्टार्वेशन नहीं होता, बट देर इज़ अ डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। सीक टाइम्स जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, सीक टाइम इज इंक्रीजिंग एंड नॉट एन एफिशिएंट एल्गोरिदम। डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट एल्गोरिदम, क्यों, क्योंकि डिस कार मूवमेंट इज आर मैक्सिमम, ठीक है, डिस्का मूवमेंट जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम हो रही हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।